वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ साइंस टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा। स्टूडेंट टुडे आई एम टेकिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट टू ऑफ द चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स अ करेंट। ओके स्टूडेंट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ वी डिफाइन द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें हम कुछ अच्छी चीजों को समझेंगे, जैसे कि ओम्स लॉ, व्हाट इज द मीन ऑफ द ओम्स लॉ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ओम्स लॉ, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेजिस्टेंस, व्हाई वी यूज द रेजिस्टेंस, नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दैट मीन्स द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट विद द सिंपल टॉपिक ओम्स लॉ। व्हाट इज द मीन ऑफ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ डिफाइंड अ रिलेशन बिटवीन द थ्री थिंग्स, फर्स्ट वन इज द वी, सेकंड वन इज द आई एंड थर्ड वन इज द आर। व्हाट इज द मीन ऑफ द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन ओम्स लॉ एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिए स्टूडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग ओम्स लॉ वी कैन से वी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आई। व्हाट इज द मीन ऑफ द वी एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द आई? लेट वी कंसिडर अ क्लोज्ड सर्किट विच कंसिस्ट एनी एक्सटर्नल सोर्स कैपिटल बी। व्हाट इज द मीन ऑफ द बी? बी दैट मीन्स अ एक्सटर्नल सोर्स और एक्सटर्नल बैटरी। This is a positive terminal and this is a negative terminal. The direction of flow of current always positive to negative. First one, let me consider this is a insulating copper wire between the point capital A and capital B. Let me consider capital A and capital B are two points which consist insulating copper wire. The resistance of copper wire will be equal of capital R. Here capital R is a resistance. Due to flow of current, some heat will be generated which known as the potential. थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही है? ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम और नॉर्मल डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? ठीक है, जैसे कि हम बॉक्स की बात करते हैं, ये पूरी मशीन किसी ना किसी पर्टिकुलर बॉक्स में होगी, तो बाहर से अगर जो हम एक पिक कैप्चर करें तो हम उसको क्या बोलेंगे? लेवल डायग्राम, ओनली सिंपल डायग्राम, बट सर्किट डायग्राम दैट मीन्स अ कनेक्शन डायग्राम। तो हियर बी इज अ एनी एक्सटर्नल सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अमाउंट ऑफ करेंट आई, A and B are two terminal which consist any insulating copper wire and the resistance of wire will be equal of capital R and V is a voltage. So according Ohm's law V is a directly proportional of I. V that means a potential and I that means a amount of current. So we can say developed potential is directly proportional to amount of current. Okay student, ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बोला। ठीक है, proportional, potential is a directly proportional of amount of current. This is a statement of Ohm's law such that V is a directly proportional I. According to the concept of science, we know that proportional replaced by any constant. Here R is a any constant defined by the word resistance. क्या बोला मैंने student? Capital R मतलब क्या होता है? Capital R that means a resistance. So V equal to R I. ओके स्टूडेंट, आप बोलेंगे सेम स्टेटमेंट ही लिखा है, दिस इज अ प्रोडक्ट, सो वी गेटिंग कैपिटल आर विल बी इक्वल ऑफ वी बाय आई। व्हाट इज द मीन ऑफ द आर? आर दैट मीन्स अ रेजिस्टेंस, सो वी कैन से रेजिस्टेंस इक्वल टू वी दैट मीन्स अ पोटेंशियल and I that means a current. Okay student, what is the proper definition of the resistance? According to the Ohm's law, resistance is a ratio
रेजिस्टेंस इज अ रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एंड करेंट. द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय OHm और रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस. ये ओम के सिंबल है. द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस सिंबल क्या हो गया, कैपिटल आर. एसआई यूनिट विल बी इक्वल ऑफ ओम. ठीक है, दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ, दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओके स्टूडेंट, अगर जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से देखें तो क्या है, वी दिस इज अ वी एंड दिस इज अ आई. सो रेजिस्टेंस इज अ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ. देखिए हमेशा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में एक ग्राफ बनेगा जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, रेजिस्टेंस को. दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस आर नोन एज द ओमिक रेजिस्टेंस. क्या बोला मैंने इसको, ओमिक रेजिस्टेंस. क्या होता है ओमिक रेजिस्टेंस स्टूडेंट, अ रेजिस्टेंस विच फॉलो द ओम्स लॉ आर नोन एज द ओमिक रेजिस्टेंस. थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे देखते हैं. ओम्स लॉ, व्हाट इज द मीन ऑफ द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज करेंट एंड रेजिस्टेंस. अकॉर्डिंग ओम्स लॉ वी कैन से डेवलप पोटेंशियल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अमाउंट ऑफ करेंट सच दैट वी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आई. प्रोपोर्शनल रिप्लेस बाय एनी कॉन्स्टेंट, हियर कॉन्स्टेंट डिफाइंड बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर दैट मीन्स रेजिस्टेंस, सच दैट वी इक्वल टू आर आई. सो ये इसके इंटू में सामने वाले के अपॉन में वी बाय आई इक्वल टू आर. दैट मीन्स आर इक्वल टू बी वाई आई. तो मुझे यहाँ से एक और डेफिनेशन मिली है, रजिस्टेंस विल बी अ रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एंड करेंट. द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टेंस ओम, रिप्रेजेंटेटर कैपिटल आर. एसआई यूनिट कितनी हो गई, ओम. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम को. ओके स्टूडेंट, ये रजिस्टेंस जो है आपको देखने मिलेंगे जब आप लेब में जाएंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स. क्या बोला स्टूडेंट मैंने, पोस्ट ऑफिस बॉक्स. ये कैसा होता है, ये एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज फॉर्म. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स और पोस्ट ऑफिस बॉक्स. स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे सर क्या बता रहा है आज, टुडे वी गेटिंग द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट पॉइंट डिफाइंड द ओम्स लॉ. ये पूरा कंप्लीट आपको थोड़ा बहुत समझ आया. नाउ वी डिफाइंड द अनादर वर्ड, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोस्ट ऑफिस बॉक्स और रजिस्टेंस बॉक्स. जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको प्रैक्टिकल में एक रजिस्टेंस बॉक्स मिलता है, इनिशियल पॉइंट कैपिटल ए एंड फाइनल पॉइंट कैपिटल बी. इन बिटवीन वी कंसिस्ट द नंबर ऑफ की. क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ की. जैसा कि नोट में करेंसी होती है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, बिल्कुल सिमिलर 1 ओम, देन 2 ओम, देन 5 ओम, देन 10 ओम, देन 20 ओम, देन 50 ओम, देन 100, 200, 300, 400, 500. अगर जो आपको प्रैक्टिकल में 2 ओम यूज करना है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिमिलर जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स से आप इस की को निकाल देंगे. इसको जैसे ही आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला दैट मीन्स वी यूज आर 2 ओम. ओके स्टूडेंट, दिस इज अनादर अनादर एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स विच ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ऑफिस बॉक्स. ओके स्टूडेंट, सो नाउ पॉइंट नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस बेसिकली डिवाइड इंटू टू कैटेगरी. फर्स्ट